हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क का फिलहाल तो प्रीलिम्स होने वाला है। क्लर्क में तो टाइम है, बट पीओ का तो प्रीलिम्स अब आ गया है, बहुत दिन नहीं है। तो आपको जितना ज़्यादा पॉसिबल है वो स्टडी मटेरियल तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ आज से थोड़ा सा एक क्विज टाइप का स्टार्ट किया जाए जिसमें आप आंसर करें। आज आप देखिएगा कैसा जाता है, ये सही है नहीं है, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि भाई क्वेश्चन ज़्यादा किए जाएँ, कम किए जाएँ, ये क्विज सीरीज चलाई जाए या ना चलाई जाए, ये आप बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बढ़िया लगेगा। जिन लोगों को दिक्कत है इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने में, उनके लिए मैं क्वेश्चन भी हिंदी में बता दूंगा। देखिए, पहली क्विज में जो पहले के 5 क्वेश्चन हैं वो है नंबर सीरीज पर बेस्ड। इस नंबर सीरीज में क्या करना है, आपको मिसिंग जो नंबर है वो आपको बताना है। ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, एंड यहाँ पर कौन सा आएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं है, ये मिसिंग नंबर सीरीज है। इसमें आपको नंबर बताना है, वीडियो को पॉज करिए, करना स्टार्ट करिए। आपको इस 5 क्वेश्चन को करना है सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। आप टाइमर स्टार्ट कर लीजिए, घड़ी में टाइम देख लीजिए, ऑन एवरेज 5 मिनट में आपके ये 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नंबर सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि प्रीलिम्स में 5 नंबर की आएगी। अच्छा, जो क्विज मैं करा रहा हूँ इसमें कुछ बहुत 3-4 टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। ठीक है, बाकी कितने टॉपिक कवर करने हैं ये आप कमेंट में करके बताएंगे कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। फिलहाल इस क्विज के आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goldencareer.co.in पर जा सकते हैं, और क्वेश्चन भी अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्टडी मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो ये IBPS PO प्रीलिम्स क्विज 1 आंसर, तो सारी क्विज आंसर जो है क्विज के वो आपको यहाँ पर इस PDF में मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब ये डाउनलोड करने आए, यहाँ पर जो एड डिस्प्ले हो रहे हैं, एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है छोटा सा, कि एक या दो एड पे क्लिक कर दें। बहुत टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आपके 5 सेकंड लगेंगे दो एड पे क्लिक करने पे, बट वेबसाइट को सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल जाएगा एंड आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो इन 5 में से मैं ये मानता हूँ आपको कम से कम 3 नंबर सीरीज तो सॉल्व कर ही लेनी चाहिए, और जिन्होंने 5 कर ली, वेरी एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया आपने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, पार्टनरशिप पर बेस्ड है कि पी क्यू एंड आर 3 लोग हैं, एक का नाम है पी, एक का क्यू, एक का आर, इन्वेस्टेड सम अमाउंट टू स्टार्ट ए बिजनेस, मतलब एक बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया। पी ने 500 रुपए इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, क्यू ने इन्वेस्ट किया 600 रुपए कुछ महीनों के लिए, आर ने इन्वेस्ट किया 540 रुपए 2 मंथ ज्यादा क्यू से। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ, पी ने इन्वेस्ट किया है 500 रुपए 12 महीनों के लिए, ठीक है, क्यू ने इन्वेस्ट किया है 600 रुपए एक्स महीनों के लिए, ठीक है, और आर ने इन्वेस्ट किया है कितना, 550 मोर देन 2 मंथ्स। ठीक है, आर इन्वेस्टेड 550 मोर। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए है कि आर ने 540 ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, आर ने इन्वेस्ट किया है 540 रुपए कितने दिनों के लिए, एक्स प्लस 2 महीनों के लिए, मतलब जितना क्यू ने किया है उससे 2 महीने ज्यादा के लिए। तो हिंदी वाले क्वेश्चन को समझ लें जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो है 2200 रुपए। ठीक है, तो क्यू को जो प्रॉफिट मिला 480 रुपए मिला, ठीक है, देन क्यू इन्वेस्टेड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, क्यू ने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था, ये आपको निकालना है। आंसर तो दिया ही है कुछ के सोल्यूशन में जो वेबसाइट पर है, फिलहाल ये करिए। ये 3 क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको दूंगा फिलहाल के लिए 6 मिनट्स दूंगा, वैसे 6 मिनट आपके एग्जाम में मिलते नहीं है, 5 मिनट में 3ों क्वेश्चन कर लें तो बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन ये है, प्रभु हरि एंड रिया, अगेन प्रभु हरि रिया 3 लोग हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, 38,500, 49,500 और एक्स रुपए लगाकर। प्रभु ने कितना लगाया, 38,500, हरि ने कितना लगाया, 49,500, रिया ने कितना लगाया, एक्स लगाया, और एट द एंड ऑफ ईयर जो टोटल प्रॉफिट आया वो आया 1,01,500। ठीक है, रिया का शेयर था 45,500, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली रिया का शेयर जो है निकालना है, प्रॉफिट रिया का दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,60,000, एक कंपनी जो है वो 7,60,000 रुपए का प्रॉफिट बनाती है, 20% ऑफ विच इज पेड एज टैक्सेस, जिसमें से 20% जो है टैक्स पे कर दिया जाता है, इफ द रेस्ट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है उसको अगर एक्स वाई एंड जेड के जेड में जो है पार्टनर्स में डिवाइड किया जाए 5:3:4 के रेशियो में, 2x का शेयर कितना आएगा। सरल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इसका निकालिए 80%, देन रेशियो करिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, करना आपको ही है क्योंकि ये क्विज है। तो चलिए अगले क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और 5 मिनट में कोशिश करिए कि ये 3 क्वेश्चंस हो जाएं। नेक्स्ट आपका है अर्जुन
ठीक है, बेसिकली टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है ये। अर्जुन सूजी एंड नीमा स्टार्ट रनिंग अराउंड सर्कुलेटर। देखो अर्जुन सूजी और नीमा क्या करते हैं, एक गोल ट्रैक है जिसमें से रन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं 15, 21 और 35 सेकंड में, ठीक है। मतलब ये अर्जुन 15 में, सूजी 21 में और नीमा जो है वो 35 सेकंड में। इन हाउ मेनी सेकंड्स विल द थ्री मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, पूछा गया है कितने सेकंड बाद तीनों जो है वो फिर से मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, अगर जो है सबने सेम टाइम में जो है वो भागना स्टार्ट किया हो, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, शशि ट्रेवल्ड एट ए डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 7 आवर्स। शशि ने क्या किया, 50 किलोमीटर 7 घंटे में तय किया। शी ट्रेवल द डिस्टेंस पार्टली ऑन द फूट एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली ऑन बाइसिकल एट 8 किलोमीटर पर आवर। कुछ डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर पर घंटे तय की पैदल चलकर, और कुछ डिस्टेंस तय की 8 किलोमीटर पर घंटे चलकर साइकिल पर, ठीक है। अब पैदल कितनी डिस्टेंस चली ये आपको निकालना है। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगेन इन तीन क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पॉज करिएगा और 5 मिनट में क्वेश्चन करिएगा। अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज टेक्स 2 आवर्स लेस बाई अ फास्ट ट्रेन देन बाई ए स्लो ट्रेन। दो शहरों के बीच में 192 किलोमीटर की दूरी है, जो फास्ट चलती है ट्रेन, तेज चलती है ट्रेन, वो धीमी चलने वाली ट्रेन की अपेक्षा 2 घंटे कम टाइम लेती है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर लेस देन डेट ऑफ फास्ट ट्रेन। अगर धीमी चलने वाली ट्रेन की जो एवरेज रफ्तार है, जो औसत रफ्तार है, वो तेज चलने वाली ट्रेन से 16 किलोमीटर पर घंटे कम है, देन तेज चलने वाली ट्रेन, फास्ट चलने वाली ट्रेन की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी। तो इन क्वेश्चंस को अब आप करिए 5 मिनट के अंदर अंदर, और जब तक आप वो क्वेश्चन करें पॉज करके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा, कर जरूर लीजिएगा क्वेश्चन, छोड़िएगा मत, वरना कोई इसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है द एवरेज रन, ठीक है, ये एवरेज एजेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। द एवरेज रन स्कोर्ड बाई अ क्रिकेटर इज 42 इनिंग्स, ठीक है, कुछ गड़बड़ है। द एवरेज रन स्कोर्ड बाई ए क्रिकेटर इज 42 इनिंग्स इज 40, ओके, यहाँ पर इन होगा, ये गड़बड़ है, ठीक है। मतलब एक जो एवरेज रन स्कोर किया गया है किसी क्रिकेटर के द्वारा 42 इनिंग में, वो है 40। द डिफरेंस बिटवीन हिज मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इन एन इनिंग इज 100, ठीक है। तो उस क्रिकेटर के मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर, मतलब उसने मैक्सिमम कितना जो है रन बनाए हैं और मिनिमम कितना रन बनाए हैं, उन दोनों का डिफरेंस 100 है। इफ दीज टू इनिंग्स आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वाली अगर दो इनिंग को अगर ना लिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, तो देन द एवरेज स्कोर ऑफ रिमेनिंग 40 इनिंग, मतलब ये दो इनिंग निकाल दी तो 42 से 40 इनिंग बची, तो एवरेज हो जाता है 37। मैक्सिमम रन कितने उसने बनाए हैं ये आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। बाकी ये दो प्रॉब्लम जो है वो एज रिलेटेड है, कि 8 साल पहले पवी की जो एज थी वो इक्वल थी किसके, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ हर वन सन एंड वन डॉटर, उसकी एक लड़की और एक लड़का है, दोनों की जो जोड़ है, दोनों के जो एडिशन है उनकी इक्वल थी 8 साल पहले, ठीक है। 8 साल पहले पवी की एज आज जो उसकी बेटी बेटा है उसकी उम्र उसके एडिशन के बराबर है, जोड़ के बराबर है। 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ हर डॉटर एंड हर सन डेट टाइम विल बी, 5 साल बाद जो है उनके पुत्र और पुत्री में जो रेशियो होगा वो 7:6 होगा। इफ पवीज हस्बैंड इज 7 ईयर एल्डर टू हर, अगर जो पवी के पति हैं वो 7 साल बड़े हैं पवी से, एंड हिज प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उनकी उम्र जो है वो 3 गुना है, मतलब पवी के पति की उम्र जो है वो 3 गुना ज्यादा है किससे, अपने बेटे की उम्र से, तो उनके डॉटर जो की लड़की है उसकी आपको प्रेजेंट एज बताना है, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन को करने के लिए अगेन मैं आपको 6 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन सरल है, वैसे आपको ट्रिकी लग सकते हैं, 6 मिनट में आप ये क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मैरी एंड दीपा, मैरी एंड दीपा की आज की उम्र का रेशियो x:42 है। मैरी इज 8 ईयर्स यंगर देन प्रेमा, लेकिन मैरी क्या है, प्रेमा से 8 साल छोटी है, एंड प्रेमा इज आफ्टर 8 ईयर, और प्रेमा की उम्र आज से 8 साल बाद, मतलब आज से 8 साल बाद 33 साल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दीपाज एंड मैरीज एज, और दीपा और जो मैरी की एज में जो अंतर है वो सेम है जितनी उम्र आज प्रेमा की है, तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है, ये रेशियो। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप कमेंट करेंगे, देखेंगे कितना आपसे हो पाया, एंड आंसर वेबसाइट पर अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन पहले खुद से सॉल्व करिएगा, उसके बाद डाउनलोड करिएगा, एंड डाउनलोड करने जाइएगा तो वही रिक्वेस्ट है, एक ऐड पर क्लिक करिएगा, एंड ये क्विज कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कंटिन्यू किया जाए ऐसी क्विज डेली या ना किया
दिया जाए, ठीक है। वैसे वेबसाइट पे भी एक सिस्टम मैं बना रहा हूँ कि वहाँ पर क्विज डेली दी जाए और टाइमर के साथ हो, बट उसमें टाइम लगेगा क्योंकि वेबसाइट में काफी मॉडिफिकेशन करने होंगे। तो आपके रिव्यू इंपॉर्टेंट है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, आप कहेंगे कि ना करें तो नहीं करेंगे, आप कहेंगे ज्यादा क्वेश्चन दें हम ज्यादा देंगे, आप कहेंगे कम दें तो हम कम देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, क्विज अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो एंड वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।